यूनाइटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी और हॉस्पिटल की टीम मैनेजमेंट ने इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सन के साथ साथ सभी मजहब के लोगों को इनवाइट किया गया। इस इफ्तार पार्टी में आए हुए सभी जाति और धर्म के लोगों ने रमजान के इस पाक महीने को एक भाईचारे का पैगाम बताया। डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी, जो कि एक मशहूर लेप्रोस्कोपिक सर्जन के नाम से जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके एक अच्छे स्वभाव को लेकर भी जाने जाते हैं। डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी ने पार्टी में शामिल सभी मेहमानों का शुक्र अदा करते हुए कहा, इस पार्टी को रखने का पर्सनल मकसद ये है कि सभी धर्म और जाति के फेस्टिवल्स को मिलजुल कर सेलिब्रेट करने में उन्हें फख्र महसूस होता है। पहली बार जो गुनगुरम के इतिहास में ये 19 का तो रमजान का इफ्तार का काम इधर सब लोगों को बुला के हमारे यूनाइटेड हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर विक्रम साहब, दाऊद साहब, हम सब लोगों को, सब जात लोगों को, सब मजहब लोगों को यहाँ बुला के इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। आजकल जो ये चल रहे हैं अशांति जो फैला रहे हैं यहाँ देश में, वो लोगों को अशांति फैलाने लोगों को ये सीधा मैसेज जाना, हम सब एक है, हम सब लोग मिलके ये रमजान का ये सब ईद का हम काम करते बोलते मैसेज देना। इसलिए आज जो इफ्तार दिए हमारे यूनाइटेड हॉस्पिटल के वालों को, वो लोगों को हम तमाम गुलबर्ग के तरफ से उसको अल्लाह से दुआ बन गए, आगे आने वाले दिन में ऐसी चलते रहना, हम सब लोग मिलके मिलजुल के रहना बोल के हम अल्लाह से दुआ मांगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज यूनाइटेड हॉस्पिटल में एक इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया था, उसमें शहर के तमाम मज़हब के लोग शिरकत किए और एक बेहतरीन यहाँ पर मिसाल देखने को मिली है कि तमाम हमारे पास यहाँ गुलबर्गा में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर इफ्तार का अहतमाम किए हैं। मैं दिल की गहराइयों से विक्रम सिद्धा रेड्डी साहब को और उनकी तमाम टीम को, ख़ास तौर से हमारे दाऊद साहब को और तमाम वहाँ के टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बेहतरीन अंदाज में इफ्तार पार्टी रखने पर, और आज जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, जो लोग हमारे मुल्क की जो खूबसूरती को के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। आप यहाँ आकर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम मज़हब के लोग, ये विक्रम सिद्धा रेड्डी साहब खुद भी एक दूसरे मज़हब के रहते हुए मुसलमानों के लिए एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं आज फिर एक बार तमाम मुसलमानों की तरफ से, तमाम हमारे लोगों की तरफ से मैं विक्रम सिद्धा रेड्डी साहब को और उनकी तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज यूनाइटेड हॉस्पिटल की जानिब से इफ्तार और डिनर का अरेंजमेंट सक्सेसफुली करने पर मैं डॉक्टर विक्रम, दाऊद सर और यूनाइटेड हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को अपनी जानिब से कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ, और इस मौके पर बताना चाहता हूँ कि यही ब्यूटीनेस ऑफ आवर नेचर है, यही खूबसूरती है हमारे देश की, यही हमारे संस्कार है, यही हमारी संस्कृति है। कुछ लोग इसमें डिवीज़न पैदा करना चाह रहे हैं, जो डॉक्टर विक्रम सर, दाऊद सर और यूनाइटेड हॉस्पिटल का स्टाफ जैसे लोग मिलकर हमारी जो एकता और अखंडता है, इसमें कभी भी डिवीज़न पैदा होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे संस्कार, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी देश की खूबसूरती है, और इसी खूबसूरती से हम देश को विश्व में सुपर पावर कंट्री बना सकते हैं। तो मैं आखिर में फिर से एक मरतबा डॉक्टर विक्रम को और उनकी पूरी टीम को
अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो, नमस्कार। आज यूनाइटेड हॉस्पिटल में जो विक्रम सिद्धा रेड्डी साहब ने जो इतिहार पार्टी यहाँ पे जो आज अरेंजमेंट किए, आज हमारे तमाम आज कांग्रेस के लीडर्स भी यहाँ पे हमारे सामने है, और आज बहुत अच्छा एक आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अभी कान साहब बताए हिंदुस्तान में जो नाइतफाकी हमारे बीचों में जो पैदा कर रहे हैं, ये वो लोगों के लिए ये आज का जो वीडियो है ये वो लोग देख सकते हैं। आज यहाँ पे जात नहीं पात नहीं, पूरे धर्म के लोग यहाँ पे आए, और बहुत अच्छा मैसेज आज हमारे विक्रम सिद्धा रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर और गुलबर्गे के अंदर पूरे हॉस्पिटल वाले ऐसे ही करना चाहिए, पूरे एकता होके हिंदू मुस्लिम एक होके आज पूरे लोग इतिहार पार्टी जिस तरह अगर करेंगे, जो हमारे बीच में कम्युनल फोर्सेस जो भटकने के काम कर रहे ये लोगों को ऐसे हम भगाएंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज 19वां रोज़ा है और 11-12 रोज़ा जो भी बचे हम हर एक इतिहार पार्टी में जाएंगे, हर एक ये मिलजुल के आज मुसलमान भाइयों के लिए भी एक हम लोग साथ देंगे बोल के। आज यहाँ पर यूनाइटेड हॉस्पिटल के जानिब से यहाँ पर इफ्तार और ताम का अहतमाम किया गया था। मैं ख़ासतौर पर डॉक्टर विक्रम रेड्डी साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, और बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर देखने के बाद तमाम मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक दूसरे को यहाँ पर विश कर रहे हैं। यही तो हमारा असली हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान की पहचान है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, खुलूस से पेश आते हैं। नफ़रत पैदा करने वाले, जहर पैदा करने वाले और भी लोग हैं जो लोगों के दिमागों में जहर पैदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए हर जगह पर हर मुकाम पर। इस तरह से अगर प्रोग्राम अगर होते हैं तो एक भाईचारगी का एक जो पैगाम जो है ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए से जाएगा, एक अच्छा माहौल मुल्क में पैदा होगा, क्योंकि यही तो असली हिंदुस्तान है और इसी को हमको कायम रखना है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 19th ರೋಜಾದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಸಮಾರಂಭ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ಪಂಥ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದ ಸಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಈ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಕ್ರಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥ, ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಾವಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಮಗೊಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವಂತೇಳಿ. ಹಬ್ಬದ ಏನು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏನು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಅವರು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಂದಂತೆ ಏನಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇಂದೂ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಂದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಅವರು ನಾವು ಸೇರಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು. आज जो यूनाइटेड हॉस्पिटल के जानिब से जो इंटर रिलीजियस इफ्तार गेट टुगेदर रखा गया है, ये बहुत ही एक बहुत ही मुबारकबाद की बात है कि इसी तरीके से लगातार बहुत सारा शहरों में इंटर रिलीजियस गेट टुगेदर किए जा रहे हैं. तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यूनाइटेड हॉस्पिटल को और उनकी पूरी टीम को, पूरी मैनेजमेंट को, कि उन्होंने आज यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग मानने वाले लोगों को एक साथ यहाँ पर इफ्तार के मौके पर यहाँ पर बुलाया और उनका गेट टुगेदर किया. ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो फैसिस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं जो इस देश के अंदर नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो आपस में जो झगड़ा करवा रहे हैं, इन लोगों को एक मुँहतोड़ जवाब है कि हम सब यहाँ पर एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर यहाँ पर, इसी को भारत कहा जाता है, तो यहाँ पर भारतीय होने का यही एक सबसे बड़ा सबूत है. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. आज गुलबर्गा शहर में पहली बार, हमेशा हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही बड़े पैमाने पे यूनाइटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इफ्तार और ताम का इंतज़ाम रखा गया था. अल्हम्दुलिल्लाह एक सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा मैसेज विक्रम सिद्धा रेड्डी सर हमेशा से देते आए हैं और इस बार भी दिए हैं.
जैसे कि हिंदुस्तान भर में एक माहौल चला हुआ है एक जात पात को बांटने का, तो वहाँ पर इस माहौल को विक्रम सिद्धा रेड्डी सर के हॉस्पिटल को और उनकी सोच को देखने के बाद ये महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आज भी इंसानियत बाकी है, भाईचारगी बाकी है, तो ये सभी हमारे भाइयों में आना चाहिए। मैं ये विक्रम सिद्धा रेड्डी सर का मिसाल देते हुए पूरे हिंदुस्तानियों को ये मिसाल देता हूँ कि हम एक हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का एक कहवारा रहा है, हम सभी को एक दूसरे के इसमें ईदों में फंक्शंस में सेलिब्रेशंस में जाकर जो है ना ये करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे का एक मजबूती से एक इत्तेहाद का मैसेज दे सकें। मैं विक्रम सिद्धा रेड्डी सर को और यूनाइटेड के स्टाफ दाऊद सर को, यहाँ के पूरे स्टाफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुबहानु ताला इन बाहर रमज़ान के मुबारक महीने में हमारे हिंदुस्तान के हालात को सुधारे, हम डेवलपमेंट के तरफ जाए, ना कि हम पार्शियलिटी हिंदू मुस्लिम के तरफ जो है ना बांटने में ज़्यादा वक्त ना घुमाते हुए हम एक अच्छे डेवलपमेंट के तरफ काम करें ताकि हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलरिज्म का मिसाल बन सके। सब कुछ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ यूनाइटेड हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी साहब ने आज रोज़दारों का एहतमाम रोज़दारों के लिए इफ्तार और ताम का इंतज़ाम रखा था और साथ ही साथ नमाज का भी इंतज़ाम हुआ है। यहाँ पे एक गुलबर्ग में एक मैसेज दिया है डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी साहब ने कि एक गंगा जमुना तहजीब है गुलबर्ग की, और जो आए दिन हालात ख़राब होते आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, इसको देखते हुए एक विक्रम सिद्धा रेड्डी साहब ने मैसेज दिया है कि एक गुलबर्गा एक हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब है, इसको बरकरार रखे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान को पहुंचाना है कि हम आगे मिलकर अच्छा हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे, ना कि ये हिंदू जात पात करके ये RSS ये BJP ये बजरंग दल जो आए दिन नए कॉन्सेप्ट्स लेके आ रही है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर दुआ करते हैं कि ये BJP RSS के मुँह तोड़ जवाब दे ऐसा सेकुलरिज्म का काम करते हुए। यूनाइटेड हॉस्पिटल में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था। यूनाइटेड हॉस्पिटल में ये दावत इफ्तार पहली बार नहीं है, लगातार यूनाइटेड में ये काम होते आया है। पिछले सालों कोविड के चलते ये काम नहीं हो पाया, तो मैं समझता हूँ उसी वजह से इस बार का जो दावत इफ्तार का प्रोग्राम था वो बहुत ही ग्रैंड तरीके से हुआ है। और ऐसे माहौल में जबकि कर्नाटका में हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े करवाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है, ऐसे माहौल में विक्रम सिद्धा रेड्डी सर का एक ये इनिशिएटिव कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को बढ़ाने का काम करें और दावत इफ्तार का अहतमाम करें, मैं समझता हूँ ये गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत का काम है। सलाम करता हूँ मैं यूनाइटेड हॉस्पिटल को और उनकी तमाम टीम को, ख़ासतौर पर विक्रम सिद्धा रेड्डी सर और दाऊद सर को, कि इन्होंने ऐसे पुरफितन माहौल में जब भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, जब हिंदू मुसलमान का दुश्मन हो रहा है, ऐसे वक्त में दो मज़हब को दो कम्युनिटीज़ को साथ लाने का काम उन्होंने किया है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि यूनाइटेड दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो उनका ये यूनिटी का मुजाहरा करना, ये भाईचारगी का प्रदर्शन करना, और दूसरा उनका ट्रीटमेंट का मॉडल। तो ये दोनों मॉडल को लेकर के यूनाइटेड चल रहा है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह दोनों इन कामों को कबूल फरमाए। जैसे रमज़ान के मुबारक महीने में एक हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं, इसी के वजह पर यहाँ पर यूनाइटेड हॉस्पिटल में एक इफ्तार की पार्टी रखी गई थी। यहाँ पर तमाम हिंदू मुसलमान सब मिलकर यहाँ पर इफ्तार और ताम यहाँ पर नमाज का इंतज़ाम किया गया था। मैं जिलानाबाद अवामी इत्तेहाद की जानिब से मैं यूनाइटेड हॉस्पिटल के तमाम मैनेजमेंट टीम को मुबारकबाद देता हूँ, दिल के अमीर गहराओं से उनको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे हालात ऐसे सिचुएशन के अंदर ये बहुत ज़रूरी था, ये मैसेज को भारतीय जनता पार्टी लेना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। यूनाइटेड हॉस्पिटल की जो यूनिटी के साथ इफ्तार पार्टी हुई है, इसका एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी लेकर हिंदुस्तान में एक मॉडल बनाना चाहिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज रोज़दारों के लिए यूनाइटेड अस्पताल में इफ्तार और ताम का
इंतज़ाम किया था हमारे डॉक्टर विक्रम रेड्डी साहब, मोहतरम दाऊद साहब, ये सब यहाँ ख़ास तौर पर रोज़ेदारों के लिए यहाँ रोज़े का इंतज़ाम और अहतमाम किया। हमारे हिंदू भाई भी शरीक रहे इसमें और मुसलमान भी यहाँ जमा हुए इफ्तार रोज़ा इफ्तारी के लिए। रमज़ान का जो महीना है ये शहरुल मुआसात व मुआखात का महीना कहलाता है, यानी हमदर्दी भाईचारगी का महीना कहलाता है। इस एतबार से इन हजरात ने हिंदुओं और मुसलमानों को जमा करके अपनी भाईचारगी का एक अच्छा मैसेज दिया है। हमको बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी भी, और होना ये चाहिए कि इस तरह हमारे हिंदू और मुसलमान भाई आपस में त्योहारों में ईदों में एक दूसरे को मिले, मुबारकबाद दें, और इस तरह से इस मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम चलता रहेगा तो अमन अमान इस मुल्क के अंदर कायम रहे। और इस तरह की जो कोशिशें हमारे डॉक्टर विक्रम रेड्डी साहब ने किया है, मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ। गुलबर्ग के तमाम आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यूनाइटेड हॉस्पिटल में हर साल की तरह रमज़ान के पाक महीने में इफ्तार का हर साल की तरह ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस साल ये और भी ज़्यादा अजीज़ इसलिए है क्योंकि दो साल के कोविड में जो इफ्तार नहीं कर सके, दो साल के गैप के बाद ये यूनाइटेड हॉस्पिटल को फिर से एक और बार इफ्तार ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिला है। तो इसके लिए सारे तमाम स्टाफ, हम यूनाइटेड हॉस्पिटल की तरफ से हम बहुत ही एंथुजियास्टिक थे कि एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ करेंगे इस बार इफ्तार बोल के। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके दो कारण हैं, दो रीज़न है। एक, ज़ाती तौर पर हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, हम क्या मानते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान के तमाम आवाम के तमाम रिलीजन के हर त्यौहार को सेलिब्रेट करके उसका हिस्सा बनने में मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, और उसी के मद्देनज़र रमज़ान के महीने में ये इफ्तार हमको तमाम दूसरे फील्ड के सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को एक जगह जमा होके एक दूसरे के खुशी में शामिल होने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी के चलते आज तमाम मेरे सारे मुस्लिम भाई और इसमें हिंदू भाई और हर तबके के, हर फील्ड के, हर रिलीजन के लोग आज शामिल होके रमज़ान के महीने को सेलिब्रेट करने के लिए और रमज़ान के महीने के जो वैल्यूज़ हैं उसको तहे दिल से हम उसका आदर और उसका सम्मान करते हुए आज हम बहुत खुशी से ये इफ्तार होस्ट करें हैं। तमाम लोग जो भी आज इस इफ्तार में शामिल हुए, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो आए हैं। और यूनाइटेड हॉस्पिटल का जो नाम हम यूनाइटेड बोल के रखे हैं, उसके पीछे हमारा ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है कि यूनिटी में एक बहुत बड़ी ताकत है, और ये ताकत पूरे इंसानियत के लिए, इंसानियत को एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए एक मैसेज है। ये हमारा एक स्ट्रांग बिलीफ की वजह से हम ये नाम भी रखे हैं, और यही हम आगे भी कैरी करेंगे। और इस मौके पे आने के लिए फिर से तमाम आवाम का, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यूनाइटेड हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ की तरफ से फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।